तो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप लोग। फिर है ना, मैं आनंद। और आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज गाइस, आज के इस वीडियो में आईटेल S23 प्लस का आफ्टर 7 डेज फ्री फायर रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जी हां गाइस, मेरे पास ये फ़ोन 7 डेज से मतलब मैं एज ए प्राइमरी डिवाइस इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। और आज मतलब इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस और पूरा रिव्यू दूंगा इस फोन के बारे में। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से मैं आप लोग को सामने एक मैच लगा लेता हूँ इस फोन में। और गाइस, एक गेम प्ले भी आप लोग इन्जॉय करते रहना और मैं आप लोग का पूरा अपना रिव्यू भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने गेम को ओपन कर लिया है। और गाइस, अभी मैं मैच स्टार्ट करने से पहले अपना सेटिंग और सेंसिटिविटी वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर चलते हैं सेटिंग पे, यहाँ पर चलते हैं सेंसिटिविटी पे। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज ही पूरा का पूरा सेंसिटिविटी 100 पर खेलने वाला हूँ। ग्राफिक्स भी गाइस मैक्स पर रखकर खेलने वाला हूँ। हाई रेजोल्यूशन भी आई पर रहेगा, सेट ऑफ रहेगा, फिल्टर भी उसमें रहेगा और हाई FPS भी हाई पर रहेगा। आज भी गाइस हम लोग पूरा का पूरा हाई पे मतलब ग्राफिक्स पे खेलने वाले हैं और पूरा रियल और जेन्युइन रिव्यू देंगे आप लोगों के साथ। और पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा 7 डेज का। और क्या अभी के टाइम पर आप लोग को इस फोन को परचेज करना चाहिए करना चाहिए भी आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस, अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। और गाइस, अभी आप लोग जो गेम प्ले देख रहे हैं वो गाइस खेला गया है आईटेल की तरफ से आने वाला आईटेल S23 प्लस स्मार्टफोन में। वो भी गाइस लगातार 7 डेज यूज करने के बाद एज अ प्राइमरी डिवाइस मतलब इस फोन को यूज करने के बाद यहाँ पर आप लोग गेम प्ले वगैरह देख सकते हो। हालांकि गाइस, ये तो गेम प्ले खेला गया है और यहाँ पर देख सकते हो सेंसिटिविटी वगैरह काफ़ी तगड़ा इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। हेडशॉट वगैरह काफ़ी इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर मैं आप लोग को अपना पूरा रिव्यू शेयर करूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। गाइस, अगर अभी तक आप लोग अपने छोटे पैके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज से कर लेना। और गाइज, मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा यार, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च लगता है। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। यही गाइज, अगर आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर देते हो और कमेंट वगैरह कर देते हो तो यही मतलब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और वीडियो बनाने के लिए काफी मतलब एक तरीके से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज प्लीज लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और हाँ गाइज, आपके भाई ने एक और नया चैनल ओपन किया है एसके आनंद टेक नाम से, और उस चैनल पर पबजी टेस्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ सारे फोन्स का। तो आप लोग अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उस चैनल को भी कर लेना। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से गाइस आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट पिन में भी उस मतलब चैनल का लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ यार उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल को तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ही लेना। तो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मेरे को इस फ़ोन में मतलब 7 डेज एज ए प्राइमरी डिवाइस यूज़ करते हुए हो चुका है और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिला इस फ़ोन में और कैसा ये फ़ोन चल रहा था, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस फटाफट से कुछ मतलब स्पेसिफिकेशन वगैरह इस फोन का डिस्कस कर देता हूँ। और पूरा डिटेल में मैं स्पेसिफिकेशन डिस्कस नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये भी गाइस आप लोगों को बता दूँ कि इस फोन का डिटेल मतलब एक तरीके से बोले तो डिटेल रिव्यू और अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और उसमें भी मैंने फ्री फायर टेस्ट किया था फर्स्ट टाइम और पूरा अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका भी मतलब लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उस वीडियो को पहले आप लोग देख लेना और आप लोग का आधा से अधिक डाउट उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोग अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और पूरा अपना मतलब रिव्यू दूंगा कि 7 डेज बाद ये फ़ोन कैसा चलता है, क्या आप लोग को फ़ोन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बंदा अगर फ़ोन को यूज़ कर लेता है मतलब 10-12 दिन तो उसको पूरा मतलब उस फ़ोन के बारे में पता चल जाता है कि ये फ़ोन कैसा चल रहा है गेमिंग करते टाइम, क्या ये फ़ोन गेमिंग के लिए अच्छा है या नहीं है। तो मेरे को तो गाइस यूज़ करते हुए हो चुका है 10-12 दिन और आज मैं आप लोग को इस फोन के पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोग को कुछ बातें बताना चाहूँगा। गाइस ये फ़ोन काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल जाता है, मात्र और मात्र 11-12 हज़ार में ये फ़ोन आप लोग को अमेजोन पर देखने को मिल जाता है। और लिटरली बताओ तो जो स्पेसिफिकेशन के साथ आता है मतलब ना ही मतलब स्पेसिफिकेशन डिस्कस करें तो ही अच्छा है। क्योंकि गाइस यार इस फोन में आप लोगों को कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है और मात्र 12 हज़ार में कोई भी कंपनी कर्व डिस्प्ले नहीं प्रोवाइड करता है। वो भी गाइस बहुत ही तगड़े रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है, उसी के साथ मतलब प्रोसेसर भी इस फोन का काफ़ी अच्छा है। यूनिसॉक का T616 प्रोसेसर दिया गया है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, अगर मतलब आप लोग को मैं डायरेक्टली बताऊँ तो अभी तक मेरे को इस फोन को 7 डेज से ज़्यादा दिन यूज़ करते हुए हो चुका है, बट गाइस मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है गेमिंग करते टाइम। हल्का फुल्का गाइस फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिले हैं और आप लोग गेम प्ले भी देख सकते हो, कहीं भी आप लोग को लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा होगा। और मैं मतलब मैक्स सेटिंग पर गेम प्ले किया हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ किया हूँ, तो कहीं कहीं मेरे को फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह दिख रहे थे इस फोन में। बट गाइस अगर आप लोग विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेलोगे तो आराम से गाइस ये फोन फ्री फायर को मैक्स सेटिंग पर रन करा देगा। बट गाइस थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप्स अगर देखने को मिल भी जाता है मतलब लॉन्ग टर्म के बाद, तो आप लोग अल्ट्रा पे शिफ्ट हो सकते हो और अल्ट्रा पे तो एकदम तगड़ा गेमिंग करा कर
जाकर ये फ़ोन दे देगा, क्योंकि गाइस यार इस फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी तगड़ा दिया गया है जिसके कारण रिफ्रेश रेट वगैरह काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी स्मूथ ये फ़ोन चलता है। और प्रोसेसर ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार दिया गया, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है इस स्मार्टफोन में। और ओवरऑल बोले तो अगर आप लोग इस फोन को गेमिंग के लिए लेना सोच मतलब लेने के लिए सोच रहे हो तो मेरे को तो अभी 7 डेज हो चुके हैं, बट गाइस मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करने को नहीं मिला है। काफ़ी स्मूथ ये फ़ोन चल रहा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करते देता है और बैटरी ड्रेन भी काफ़ी कम होता है इस मतलब फोन में। ओवरऑल बोले तो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह काफ़ी अच्छा तरीके से किया गया है इस स्मार्टफोन में, बैटरी का हो गया या फिर प्रोसेसर का हो गया या फिर डिस्प्ले का भी हो गया, ओवरऑल सारी चीज़ें इस फोन में काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग इस फोन को एज अ प्राइमरी डिवाइस के लिए परचेज करना चाहते हो तो गाइस आप लोग कर सकते हो। तो गाइस यही था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।